1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति माननीय मुख्यमंत्री 21 फरवरी 2021 ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनाई जा सकती है, कोर्ट में ये टिकेगा नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि आप जानबूझकर या संवैधानिक गड़बड़ियां की है ताकि झारखंड के युवा युवतियों को नौकरी ना देकर उलझाकर लटका के भटका के रखना। ये सरकार को फिर मैं चुनौती देता हूं कि आप 3 साल की अपनी नियुक्ति बताओ, श्वेत पत्र जारी करो और आपके पास झारखंड बीजेपी की सरकार के समय की कितनी नियुक्ति हुई। आपके समय मात्र 357 नियुक्ति हुई, वो भी हमारी सरकार के समय के वैकेंसी के अगेंस्ट। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 स्थानीय को मिले उसका हक है और उसी के आधार पर हमने कुछ वर्षों के लिए रिजर्व किया, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्यायालय में, झारखंड उच्च न्यायालय में सोनी कुमार के मामले में कहा कि बीजेपी की सरकार गलत नीति बनाई। उसी तरह आपने देखा होगा कि जो नियोजन नीति में भी किस तरह 10वीं 12वीं परीक्षा और हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा राजभाषा है उसको हटाकर उर्दू भाषा जोड़ने का काम किया। उसमें भी रमेश हांसदा जिन्हें हाईकोर्ट में रीट की और आपने देखा हाईकोर्ट ने भी उसको निरस्त किया। इससे साफ जाहिर होता है चाहे 1932 का खतियान हो और 1932 खतियान लागू करने में जब तक आप उसे नियोजन नीति से नहीं जोड़ोगे, 1932 का खतियान हमारे झारखंड के युवा युवतियों को नौकरी में कोई फायदा नहीं। ये आपके समाचार पत्र विकास मद की 33% राशि ही राज्य सरकार खर्च कर और निकले हैं जोहार यात्रा और बड़ी बड़ी बात करने। स्कूलों की हालत चापाकल खराब, शौचालय में दरवाजे टूटे, 12 जिलों में स्कूलों ने खर्च में पोषण भी आंगनबाड़ी में हमारे गरीब बच्चों को नहीं। ये स्थिति 3 साल में ये झारखंड की सरकार अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त। जब राजधानी हर दिन उग्रवादी आतंकवादी कहीं न कहीं कोई गाड़ी घोड़ा जला रहे, हर दिन अपराधी कहीं न कहीं हत्या कर रहे, इस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति भी आज ध्वस्त हो चुकी है। ऐसी सरकार को इस राज्य में नैतिक रूप से वैधानिक रूप से राज्य में शासन करने का अधिकार नहीं है। अगर है हिम्मत तो कल से 1932 का खतियान लागू करके आप यहाँ युवकों को नौकरी दो, नहीं तो 1985 और इसीलिए आपने 1985 को भी रद्द नहीं किया क्योंकि आप जानते थे 1932 का खतियान लटकाना भटकाना और झटकाना है। 1985 के आधार पर ही जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होता आप अविलंब
नियुक्ति आपने देखा आशी समाचार पत्र में 10,000 राज कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो 10,000 वैकेंसी निकाली गई थी उसको ये राज्य सरकार रद्द कर, ये झूठे वादे अक्षम और फितरती नेतृत्व और संसाधनों के लूट के कारण 3 वर्ष में झारखंड की जनता जो प्रदेश सरकार घोषणा कर रही है बेमिसाल, तो बेमिसाल नहीं, झारखंड की जनता आज बदहाल है, बेहाल, भ्रष्टाचार, लूट, अपराध और तुष्टिकरण की वादा खिलाफी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं 3 वर्षों में। राज्य में जब जब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी यानी चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी तब तब झारखंड शर्मसार हुआ। 2007-08 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बनी, हम सब ने देखा कैसे 4,000 करोड़ का खनन घोटाला, और आज भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार में एक जिला में ही मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि 1,000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में जेल। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुख्यमंत्री अभी तक अपने विधायक प्रतिनिधि को नहीं हटाया, और इस तरह पूरे राज्य का खजाना डकार कर झारखंड के सूबेदार निकले हैं खटियानी जोहार यात्रा। इनके जितने सागिर्द हैं जेलों में बंद है, जेलों में क्यों है, सबको जेल से छुड़ाकर उन्हें जोहार यात्रा में क्यों नहीं ले जाया। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि जोहार यात्रा के अगले चरण में जितने लुटेरे अवैध खनन के आरोप में जेल में उनकी तस्वीर गाड़ी पर लगाकर चले, ताकि जनता को खतियानी जोहार यात्रा का वास्तविकता जान सके। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समाचार पत्र में देख रहे हैं, जिला प्रशासन से लेकर चाहे नेपाल हाउस हो, चाहे प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो, चाहे सीए हो, 40% कमीशन राज को लूट रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और सभी जिले में उनके जो एमएलए हैं जिला प्रशासन से साठ गांठ कर 40% कमीशन के कारण। मैं टीवी में एक दिन देख रहा था कहीं सड़क था वहां बालू मिट्टी डाला था, ये राज्य की स्थिति है। सरकारी खजाने में पड़े रह गए 80 करोड़, सड़कें जर्जर। इसी तरह 3 वर्ष हो गए जो बच्चों को साइकिल मिलनी चाहिए, सिर्फ कमीशन के चक्कर में आज तक टेंडर फाइनल नहीं, जोहार यात्रा निकाल। अभी तक 50% से ज्यादा बच्चों को पोशाक नहीं मिली, जिनका हरा कार्ड बनाया वो हरा कार्ड धारियों को भी आज उनको राशन नहीं मिला। ये आप लोग नहीं छापा, ऑनलाइन एंट्री नहीं होने के कारण गरीब को अनाज नहीं मिला। झारखंड में 61 लाख घर तक पेयजल पहुंचना चाहिए, 3 साल में मात्र पहुंचा 14 लाख, जोहार यात्रा। इस सरकार के बारे चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है नियुक्ति के मामले में, लगता है झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। हम बताएंगे नियुक्ति कैसे हो, इस
सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी स्लैश क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य, गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।